डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपको ब्रिंकेस्ट्रामा पढ़ाने के लिए, और आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ब्रिंकेस्ट्रामा, ब्रिंकेस्ट्रामा के अंदर प्रजनन तंत्र। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ब्रिंकियोस्ट्रोमा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो केवल आपके सिलेबस में या सेकेंड ईयर के सिलेबस में केवल स्ट्रक्चरल पार्ट है, एम्ब्रियोनिक पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिंकियोस्ट्रोमा आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, इसीलिए अपन यहाँ पर केवल और केवल जो रिप्रोडक्शन है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है उसका अध्ययन या स्टडी करेंगे। जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिंकियोस्ट्रोमा है, उसका अपन फिर कभी उसका अलग से स्टडी करेंगे। तो आज अपन केवल उसका स्ट्रक्चर पार्ट देखते हैं। तो ब्रिंकियोस्ट्रोमा के अंदर जो गोनिड्स होते हैं वो टेस्टिस और ओवरी होते हैं यहाँ पर भी, और जो एम्फियोक्सिस है वो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। अलग अलग होते हुए भी, मेल और फीमेल अलग अलग होते हुए भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि अगर अपन बाहर से एनिमल को देखें तो ये पहचान सके कि ये मेल है और ये फीमेल है। अगर अपन पहचान सकते हैं उनको बाहर से देखने पर तो अपन कहते हैं कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, और अगर नहीं अपन पहचान पाते तो इसका मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के अंदर अब्सेंट होती है। यहाँ पर जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं वो फेरिंक्स के नीचे की साइड में होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जो डायग्राम बनाया उसमें लेबलिंग नहीं की है, क्योंकि इस प्रकार के डायग्राम अपन ने बहुत सारे बनाए हैं और मैं सोचता हूँ जहाँ तक आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि ये लगभग ब्रिंकियोस्ट्रोमा का लास्ट वीडियो है। तो ये रोस्ट्रम है, ये ओरल वुड है, ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्वा कॉर्ड है, और ये बीच के अंदर इसके एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है अपन ने। इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले फेरिक्स दिखा रखा है, फेरिक्स में ये गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे, इसके बाद में ये इसोफेगस वाला पार्ट है, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम, और यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होती है, और लास्ट के अंदर कॉडल फिन के नीचे एनस पाया जाता है। यहाँ पे जो वेंट्रल फिन है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाता है, एट्रियोपोर। तो ये इसका एट्रियोपोर है, एट्रियोपोर। अब ये जो गोनेड्स हैं, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो, इनकी संख्या कितनी होती है, 26 से 27 पेयर्स होते हैं। ये पेयर्स में पाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ होते हैं और मेटामेरिकली रो में व्यवस्थित होते हैं। तो ये 26 से लेकर के 27 पेयर पाए जाते हैं, जो कि 25 से 51 सेगमेंट में होते हैं। अब सेगमेंट वैसे एनिमल ये सेगमेंटेड नहीं है, बट इसके अंदर मायोटोम्स पाए जाते हैं, मसल्स बैंड होते हैं मायोटोम्स, और इस मायोटोम्स की वजह से ये सेगमेंट प्रतीत होता है, दिखाई देता है, जबकि ये सेगमेंटेड नहीं होता है, बट वो देखने पे सेगमेंटेड सा लगता है। तो अगर उनके सेगमेंट्स की अगर काउंट करें, उनकी संख्या अगर काउंट करें, तो 25 से लेकर के 51 सेगमेंट के अंदर ये जो टेस्टिस या ओवरी यानी गोनेड्स है वो पाए जाते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है, अब इनको इनकी पोजीशन देखिए आप, ये फेरिंग्स के हाफ पोर्शन से शुरू होकर के एट्रियोपोर तक पाए जाते हैं। ये फेरिंग्स दिखा रखी है, ये फेरिंग्स का हाफ पोर्शन है, वहां से शुरू होकर के और ये कहां पर पाए जाते हैं, एट्रियोपोर तक पाए जाते हैं। मायोटोम्स जो होते हैं, मायोटोम्स के नीचे वेंट्रोलेटरली ये गोनेड्स पाए जाते हैं, और फेरिक्स के भी नीचे होते हैं। इन गोनेड्स को अपन अगर देखें तो ये, अगर अपन ब्रिंकियोस्ट्रोमा को देखें तो इसकी बॉडी वॉल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो अगर अपने एफियोक्सिस को देखें तो अपने को गोनेड्स है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये गोनेड्स होते हैं। ये गोनेड्स कहां पर है, देखिए ये एट्रियल केविटी के अंदर बल्जिंग है, लटके हुए हैं एलिमेंट उसकी, सॉरी एट्रियम के अंदर है वो लटके हुए हैं। बल्जिंग कहां पर है इनकी, एट्रियम में, क्योंकि ये वाला तो बॉडी वॉल है, ये तो है इसकी बॉडी वॉल, और
ये है एट्रियम, ये जो स्पेस है वो सारा का सारा क्या है, एट्रियम, इसकी गोआ है। और इस एट्रियम की क्या है, ये एट्रियम एपिथेलियम। तो आउटर साइड में तो क्या हो गया इसके बॉडी वॉल, और इनर साइड में क्या हो गया एपिथेलियम, किसकी एपिथेलियम, एट्रियम की एपिथेलियम। तो ये इस तरीके से इसके अंदर पोजीशन होती है गोनेड्स की। यहां पर अपन एक डायग्राम और बनाया जो फेरिक्स का टीएस है, थ्रू फेरिक्स। तो इसमें देखिए ये नाम तो अपन ने लिखा है, ये देखिए मायोटोम्स है, ये अपन ने यहाँ पर मायोटोम्स लिखा है, ठीक है। ये वाली एट्रियल कैविटी है या एट्रियम है, और ये अपन ने गोनेड्स दिखाए, गोनेड्स, ठीक है। और ये क्या है, एट्रियल एपिथेलियम, और ये बीच में क्या दिखा रखा है, फेरिक्स। और ये बीच में जो है ये क्या है, डोर्सल एओर्टा। तो यहां पर देखिए ये पूरी ये मायोटोम्स है, खूब सारे मायोटोम्स के पास में ये लगे रहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, एट्रियम। और ये एट्रियम की क्या, एपिथिलियम। और इस एट्रियम की एपिथिलियम के पास में ये गोनेड्स पाए जाते हैं खूब सारे। तो ये टेस्टिस ओवरी इस प्रकार से इसकी पोजीशन होती है। इन अगर गोनेड्स को अपन यहां पे देखें तो ये अपन एक यहां पर गोनेड्स बना रखा है, एक गोनेड बना रखा है। इस गोनेड की ये जो टर्मिनल एपिथिलियम है किसकी, सॉरी एपिथिलियम किसकी, एट्रियम की। तो ये एट्रियम की एपिथिलियम दिखा रखी है, और उसके पास में ये गोनेड है, तो ये इसके पास में अपन ने गोनेड दिखा रखा है। टेस्टिस और ओवरी दोनों की संरचना समान होती है, उनको अपन बाहर से देख करके ये पहचान नहीं पाते कि ये टेस्टिस है या ओवरी है। बट उनका अगर सेक्शन काटेंगे, अगर उसमें स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं तो वो टेस्टिस है, और अगर उसमें ओवा मिलते हैं तो वो ओवरी है। और टेस्टिस और ओवरी दोनों जो है उनमें किसी प्रकार की कोई भी गोनोडक्ट जो है वो नहीं पाई जाती है, केवल उनके अंदर स्पर्म या ओवा का निर्माण होता है, और वो सीधे एट्रियल एट्रियम या एट्रियल कैविटी के अंदर है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी संरचना में गोनेड की अगर संरचना देखें तो यहाँ पर गोनोडियल कैविटी पाई जाती है, दो गोनोडियल कैविटी होती है। ये देखिए ये जो कैविटी अपन ने दिखा रखी है, ये जो कैविटी दिखा रखी है ये क्या है, ये यहां से लेकर के ये वाली है सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी। ये जो कैविटी अपन ने अभी जो अपन कलर कर रहे हैं वो क्या कराती है, सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी। और ये बीच के अंदर दिखा रखी है ये क्या कराती है, ये जो बीच में है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी गोनोडियल कैविटी है। तो ये प्राइमरी गोनोडियल कैविटी और ये सेकेंडरी, तो दो लेयर एक तरीके से मुड़ी हुई नलिकाकार लेयर पाई जाती है। तो ये प्राइमरी गोनोडियल और ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। अब जो ये प्राइमरी है इसकी जो अंदर की वाल है, ये जो वाल दिखा रखी है अपन ने, ये वाल क्या कराती है, फोलाइकल एपिथिलियम, फोलाइकल एपिथिलियम। तो ये एक तरीके से जर्मिनल एपिथिलियम है, और यही जर्मिनल एपिथेलियम है वो जर्म सेल बनाती है। तो ये यहां पर अपने खूब सारी जर्म सेल्स बना रखी है, और इन्हीं जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ या ओवा का निर्माण होता है। ये बीच के अंदर ब्लड वेसल्स दिखा रखी है जो टेस्टिस या ओवरी यानी गोनेड्स के अंदर आती है। तो ये क्या दिखा रखा है, ब्लड सप्लाई है किसकी, जर्म सेल्स के अंदर किसकी ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड वेसल्स पाई जाती है ये, और ये बीच के अंदर जर्म सेल्स है। यही जर्म सेल्स है वो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म का निर्माण करती है। जब यहां पर गैमेट्स बन जाते हैं तो ये गैमेट्स यहां से बाहर आते हैं, लेकिन यहां पर अवरोध है किसका, एट्रियल कैविटी का, एट्रियल कैविटी की जर्मिनल एपिथेलियम है। लेकिन जहां से इनको बाहर निकलता है उस स्थान की जो एपिथेलियम है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होकर के वो टूटकर अलग हो जाती है। तो उस स्पेस को कहते हैं सीका ट्राइसेज, सीका ट्राइसेज। ये स्पेस हट जाता है और यहां से ये ओवा वो स्पर्म है वो एट्रियल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। ये स्पेस बाद में इस एपिथिलियम के द्वारा वापस है वो भर दिया जाता है, वापस जनरेट हो जाता है। यहां से आने के बाद में जो जो गैमेट यहां पर आए एट्रियल कैविटी में,
और ये एट्रियल कैविटी से एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जब अपन ने ये गोनेट दिखाया और यहाँ पर एट्रियल कैविटी दिखाई है, तो ये क्या है, एट्रियल कैविटी एपिथीलियम। तो इस तरीके से यूँ मानिए कि ये इस तरीके से ये क्या पाई जाती है, ये एट्रियम है, और ये एट्रियम क्या है, पोर के द्वारा बाहर खुलती है, जिसको बोलते हैं एट्रियोपोर। तो ये यहाँ से स्पर्म और ओवा किस में आते हैं, एट्रियम में, और एट्रियम में आकर के एट्रियोपोर के द्वारा वो है वो पानी के अंदर विसर्जित या डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो गैमेट है वो दो प्रकार के हैं, एक तो ओवा है और एक है स्पर्म। ओवा की संरचना देखें तो उसमें क्या बाहर है वो वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये इसका एनिमल पोल है और ये इसका वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल के ऊपर एक पोलार बॉडी भी लगी रहती है, फर्स्ट पोलार बॉडी, और ये बाहर क्या वाइटलाइन मेम्ब्रेन, अंदर बड़ा सारा एक न्यूक्लियस होता है, और इसमें योग की मात्रा पाई जाती है। योग की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो एग होता है वो क्या है, माइक्रोलेसिथल एंडा होता है, माइक्रोलेसिथल एग होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 0.1 mm होता है, 0.1 mm इसका डायमीटर होता है। इसी प्रकार अगर इसका स्पर्म देखें तो यहाँ पर जो स्पर्म है उसमें भी सामान्य जो स्पर्म होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर तीन उसके पोर्शन हेड है, मिडिल पीस है और टेल पाई जाती है, और इसके हेड के ऊपर ये अपन ने दिखा रखा है एक्रोसोम पाया जाता है। तो यहाँ सामान्य प्रकार का एक स्पर्म पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो स्पर्म पाया जाता है उसकी एक विशेषता ये है कि कॉर्डेटा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जंतु है उनमें सबसे जो छोटा स्पर्म होता है वो एम्फियोक्सेस या ब्रेंकियोस्टोमा का होता है, उसकी जो लंबाई है लेंथ है वो 18 माइक्रोन होती है। इस प्रकार से ये स्पर्म है वो पानी के अंदर विसर्जित किए जाते हैं, और पानी के अंदर बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट की क्रिया है वो, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए इसी चीज को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टेस्टिस या ओवरी है, अब इसमें जो भी स्पर्म गेमिट बनेंगे वो गेमिट कहाँ पर आएंगे, जो अपन यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो वो यहाँ से यहाँ पर आएंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये है एट्रियम की एपिथीलियम, यहाँ से ये कमजोर हो जाती है। इसी को अपन ने क्या कहा है, सिका ट्राइसिस बोला इसी को, और यहाँ से बाद में ये गेमिट कहाँ पर आ जाते हैं, इस एट्रियम में, और एट्रियम में बाद में एट्रियोपोर के द्वारा ये पानी के अंदर विसर्जित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा दोनों अपन ने पढ़ा है, इन दोनों के अंदर जो एफिनिटीज है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद में इनमें जो कंपेरिजन है हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस में आपस में क्या समानता है और क्या समानता है, असमानता पाई जाती है, इसका भी अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।